ओम शांति। अज 6/10/2023 की बाणी है। बाबा आखदे ने मिठे बच्चे याद विच रहण दी अजिही प्रैक्टिस करो जो अंत विच एक बाप दे सिवाए दूसरा कोई भी याद ना आए। अज बाबा ने अपने बच्चों नूं प्रश्न पुछया, किस एक श्रीमत की पालना करन नाल तुसी बच्चे तकदीरवान बन सकते हो? अज बाबा का उत्तर है, बाप दी श्रीमत है बच्चे नींद नूं जितण वाले बनो। सवेरे दा समय बहुत वधिया हुंदा है, उस समय उठ के बाप नूं याद करो तां तुसी बगतावर बन जाओगे। जेकर सवेरे सवेरे उठते नहीं है तां जिन सोया तिन खोया, सिर्फ सोना अते खाना ये तां गवाना है, इसलिए सवेरे उठण दी आदत पाओ। गीत है अज दा, तूने रात गवाई सो के, ओम शांति। एक कहानी बच्चियां प्रति है। बाप कहंदे है, बच्चे खाना अते सोना ये कोई लाइफ नहीं। जदों कि तुसी बच्चियां नूं ये अविनाशी ज्ञान रत्ना दा दान मिल रहा है, झोली भर रही है, फिर सोना अते खाना ये ते गवाना है। सवेरे उठण दी बड़ी महिमा है, भगती मार्ग विच भी, ज्ञान मार्ग विच भी, क्योंकि सवेर दे समय बहुत शांति रहिंदी है। आत्मा सब अपने सौधर्म विच रहिंदियां है, अशरीरी होके विश्राम पाउंदियां है, उस समय याद बहुत रहिंदी है। दिन विच तां माया दा धम चक्कर रहिंदा है, ये एक ही टाइम चंगा है। हुण असीं कौड़ी तो हीरे वर्गा बन रहे हाँ। बच्चियां नूं बाप कहिंदे है, तुसीं साडे बच्चे हो, असीं तुहाडे बच्चे हाँ। बाप बच्चा बनदा है ये भी समझण दी गल है। बाप अपने बच्चों नूं वरसा दिंदे है, उवें मैं सौदागर तां हाँ ही, तुहानूं कौड़ी वर्गा तन मन ये सब व्यर्थ नोटे पैनी है। वह पुराना तुहाडा सब कुछ लैके फिर तुहानूं दे दिंदा हाँ कि ट्रस्टी होकर संभालो। तुसीं जन्म बाई जन्म गवांदे आए हो, कुरबान जावांगी, बलिहार जावांगी। साडे ते एक दूसरा ना कोई, क्योंकि सजनियां ते सब है, ता एक ही साजन नूं याद करनगियां। दे सहित सब संबंधां नूं भुलदे भुलदे एक दी ही इन्नी याद रहे जो अंत विच ना ये शरीर ना ही होर कोई याद आए। इन्नी प्रैक्टिस करनी है, सवेर दा समय बड़ा वधिया है, थोड़ी ये सच्ची सच्ची यात्रा है। वो ता जन्म बाई जन्म यात्रावां करदे आए पर मुक्ति नूं ते पाया नहीं, ता झूठी यात्रा हुई ना। ये है रूहानी अते सच्ची मुक्ति अते जीवन मुक्ति दी यात्रा। मनुख तीर्थां ते जांदे है ता अमरनाथ बद्रीनाथ याद रहिंदा है। खास चार धाम कहिंदे है, तुसीं किन्ने धाम कीते होणगे, किन्नी भगती कीती होवेगी, आधा कल्प करदे आए है। हुण इन्हां गल्लां नूं कोई भी जाणदे ही नहीं, बाप ही आके लिवरेट करके फिर गाइड बन नाल लै जांदे है। किन्ना वंडरफुल गाइड है, बच्चियां नूं लै जांदे है मुक्ति जीवन मुक्ति धाम। इवें दा गाइड कोई हुंदा नहीं। सन्यासी लोग सिर्फ मुक्ति धाम कहणगे, जीवन मुक्ति अखर उन्हां दे मुख तों निकलेगा नहीं। उस नूं तां ओह काग विष्टा समान अल्पकाल दा सुख समझदे है। तुसीं बच्चे जानते हो, बाप है दुख हरता सुख करता। हे मात पिता, तुहाडे जदों असीं बालक बनते हाँ तां साडे सब दुख दूर हो जाते हैं, आधा कल्प असीं सुखी बन जाते हाँ। ये तां बुद्धि विच रहिंदा है ना, पर धंधे आदि विच जाण नाल भुल जाते हैं, सवेरे उठते नहीं है। जिन सोया तिन खोया, तुसीं जानते हो बरोबर सानूं हीरे वर्गा जन्म मिलिया है। हुण भी जेकर नींद तो सवेरे नहीं उठणगे तो समझणगे ये वक्तावर नहीं है। सवेर नूं उठ के मोस्ट बिलवड बाप नूं साजन नूं याद नहीं करते है। आधा कल्प तो साजन पछाड़ी होया है अते बाप नूं तुसीं सारा कल्प भुल जाते हो। फिर भगती मार्ग विच तुसीं साजन दे रूप विच जां बाप दे रूप विच याद करते हो। सजनी साजन नूं भी याद करती है, उन्हां नूं फिर बाप भी कहा जाता है। हुण बाप समुख है तां उन्हां दी श्रीमत ते चलना पए, श्रीमत ते जेकर नहीं चलते तां इडगे। श्रीमत मतलब शिव बाबा दी मत। इवें नहीं सानूं की पता
किस दी मत मिलती है। समझना चाहिए इन्हों की मत का भी वो रिस्पोंसिबल है, जिमें लौकिक तरह बच्चों का बाप रिस्पोंसिबल है, सन शूज फादर। ये ब्रह्मा तन भी फादर का शो करता है, मूर भी बच्चा है। बहुत चंगे चंगे बच्चे हैं जो ये नहीं जानते कि असी किस दी मत ते चलते हाँ, कौन डायरेक्शन देंदे है। बाबा नूं तां याद नहीं करते, सवेरे उठते नहीं, याद नहीं करते तां विकर्म भी विनाश नहीं होंदे। बाबा दसदे है इन्नी मेहनत करदा हाँ तां कि तां वी कर्म भोग चलदा रहिंदा है, क्योंकि एक जन्म दी गलती नहीं है ना, अनेक जन्मां दा हिसाब किताब है। डायरेक्शन मिलिया होया है, इस जन्म दे भी पाप दसण नाल आधा कट सकदा है। ये तां बाप कहिंदे है मैं जानदा हाँ अते धर्मराज जानदा है, पाप बहुत कीते हुए है, धर्मराज गर्भ जेल विच सजावां दिंदा आया है। हुण तां तुसी पुरशार्थ कर विकर्म विनाश करदे हो तां फिर गर्भ महल मिलदा है, उत्थे तां माया हुंदी नहीं जो मनुख नूं पाप कराए अते सजा खानी पए। आधा कल्प है ईश्वरीय राज, आधा कल्प है रावण राज। सप दा मिसाल भी इत्थे दा है, सन्यासियां ने कापी कीती है। जिवें भ्रमरी दा मिसाल बाबा दिंदे है, भ्रमरी कीड़े नूं अपने घर विच ले आंदी है, तुसी भी पातितां नूं ले आंदे है, फिर उनां नूं बैठ शूद्रां तों ब्राह्मण बनाउंदे है। तुहाडा नाम ब्राह्मणी है, ये भ्रमरी दा दृष्टांत बहुत वधिया है। प्रैक्टिकल विच आउंदे तां बहुत है, फिर कई कच्चे रह जांदे, कई सड़ जांदे, कई खत्म हो जांदे है। माया बड़े तूफान विच लियांदी है, तुसी हर एक असल विच हनुमान हो। माया किन्ने भी तूफान लियावे, असी बाबा नूं अते स्वर्ग नूं कदी नहीं भुलांगे। घड़ी घड़ी बाबा कहिंदे है सावधान, मनुख तां तीर्थां दे धक्के खाण लई जांदे है, इत्थे होर तां किन्ने किथे नहीं जांदे, एक ही बाप अते सुख धाम नूं याद करदे रहना है। तुसी तां बरोबर विजय पहनाउण वाले ही है, इन्हां दा बुद्धि योग बल ज्ञान बल कहा जाता है, याद करना बल मिलता है, बुद्धि का ताला खुलता है। जेकर कोई भी बेकायदा चलन चलते है तो उन्होंने बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। बाप समझाते भी है जेकर तुसी इवें करोगे तो ड्रामे अनुसार बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। किसी नूं कह नहीं सकोगे कि विकार विच ना जाओ, अंदर खांदा रहेगा। असी इन्ने पाप किए हैं, अग्ञान काल विच भी खाता है, मरते हैं फिर तौबा तौबा करते हैं, फिर पछाड़ी विच सब पाप सामने आ जाते हैं। गर्भ जेल विच गया फट तो सजावां शुरू हो जांदियां है, पछाड़ी विच याद जरूर आता है। तो हुण बाप कहिंदे है तुहानू तां तौबा तौबा नहीं करनी है, तुसी पाप ना करो। जेल वर्ड हुंदे है ना, तुसी भी जेल वर्ड सी, हुण बाबा गर्भ जेल दीआं सजावां तों छुड़ांदे है। कहिंदे है मैनू बाप नूं याद करो तां पापां दीआं सजावां तों छुट जाओगे, तुसी पावन बन जाओगे। जेकर फिर डिगे तां बहुत चोट लग जावेगी, अशुद्ध अहंकार है पहले, फिर है काम क्रोध, काम महाशत्रु है। ये थानू आदि मध्यंत दुख दिंदे आए है, तुसी आदि मध्यंत सुख दे लई पुरशार्थ करदे है, ता पूरा पुरशार्थ करना चाहिदा है। बोलते है सवेरे जाग नहीं सकते हाँ तो फिर पदवी भी ऊंच पा नहीं सकोगे, दास दासी बनना पवेगा। उत्थे कोई गोबर आदि नहीं उठाना पवेगा, मेहतर नहीं होंगे। हुण भी विलायत विच नौकर आदि नहीं रखते है, आपे ही सफाई हो जाती है, उत्थे ते गंदगी होंगी नहीं, बाकी चंडाल दास दासियां आदि होंगे है। बाप थानू बच्चों नू सब राज समझाते हैं, थोड़ी बुद्धि विच सारी राजधानी है। तुसी ड्रामे नू समझ गए हो, पहले पहले मुख इस चक्कर नू समझना है। वो ओपनिंग दे लई गवर्नर आदि नू बुलाते हैं तो बच्चों नू डायरेक्शन मिलते हैं। ओपनिंग कराउण दे पहले उन्हां नू कुछ समझाओ कि भारत श्रेष्ठाचारी सी, हुण फिर भारत भ्रष्टाचारी बनिया है।
ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੂਜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੀ ਫਿਰ ਪੁਜਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣੇ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਕਰ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦਰਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜੇਕਰ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਦਾ ਇਵੇਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬੀ ਕੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਥਾ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਪਾਤਿਤ ਪਾਵਨ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਤਿਤ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਹੋ ਨਾ ਸਕੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਦਵੀ ਉੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਰਤ ਪੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਜਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ 84 ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਤੋਂ 3000 ਵਰੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਧਾਮ ਹੈਵਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਵਰਗ ਸੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਰਕ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਮਝਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਮਾਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਲੜਾਈ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾ ਖੂਨ ਦੀ ਨਦੀਆਂ ਵਗੇਗੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੈ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦਰਬਦਰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦਮ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਇਵੇਂ ਵੀ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਨੁੰਧਿਆ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਣੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਣਗੀਆਂ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਂਡਵ ਹੋ ਗੁਪਤ ਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੀਚਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਰਾਜ ਹੈ ਡਰਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪੈਲਸ ਬਣਦੇ ਹੀ ਹੈ ਡਰਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਸ ਬਣਦੇ ਹੀ ਹੈ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ ਪਰਲਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪਰਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਰ ਵਕਤ ਗੂੰਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਬਰੋਬਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਜਾਪਿਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈ ਇਹ ਸਿਜਰਾ ਹੈ ਪ੍ਰਜਾਪਿਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਮਨੁੱਖ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਾਦਰ ਕਹਾਂਗੇ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਹੈ ਸਭ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਵੇਂ ਦੀ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਪੈਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਦਦ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਿੱਕੇ ਲੈਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ ਧਾਰਨਾ ਲਈ ਮੁਖਿਆ ਸਾਰ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਪਰ ਕੋੜੀ ਵਰਗਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬਾਪ 'ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਫਿਰ ਟਰੱਸਟੀ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਮਮੱਤਵ ਨਿਕਾਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਦੂਜਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਯੋਗ ਵੱਲ ਨਾਲ ਮਾਇਆ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਦਾਨੀ ਵਰਦਾਨੀ ਮੂਰਤ ਭਵ
दृष्टि द्वारा शक्ति लैण ते शक्ति देण वाले महादानी वरदानी मूरत भव। आज बाबा आखदे ने अगे चल के जदों बाबा आखदे ने अगे चल के जदों बाणी द्वारा सेवा करन तां समय अते सरकमस्टांस नहीं होवेगा, उदों वरदानी महादानी दृष्टि द्वारा ही शांति दी शक्ति प्रेम सुख अते आनंद दी शक्ति दा अनुभव करा सकणगे। जिमें जड़ मूर्तियां दे सामने जांदे है तां चेहरे द्वारा वाइब्रेशन मिलदे है, नैणा तो दिव्या दी दिव्यता दी अनुभूति हुंदी है, तां तुसी जदों चैतन्य विच इह सेवा कीती है तां जड़ मूर्तियां बणियां है, इसलिए दृष्टि द्वारा शक्ति लैण अते देण दा अभ्यास करो तां महादानी वरदानी मूरत बणोगे। स्लोगन अज दा, फीचर्स विच सुख शांति अते खुशी दी झलक होवे तां अनेक आत्मावां दा फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकदे है। फीचर्स विच सुख शांति अते खुशी दी झलक होवे तां अनेक आत्मावां दा फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकदे है। चंगा, ओम शांति।